क्या चल है मेरे प्यारे देवी सोचो मित्रों से, कैसे आप तो वेलकम बैक करेंगे आपको अपने न्यू ब्लॉग के अंदर। तो आज के ब्लॉग का हम स्टार्ट करें तो आज 30 रमजान और शुरू होने वाली हमारी कल होगी रात, इस रमजान के बाद हमारी चांद रात और फिर ईद है। तो इसके लिए पहले हम आज जाने वाले हैं, उससे पहले एक अपने कटिंग और बाल फिशाल वगैरह सेट कराने के लिए हम जाने वाले हैं। सो पहुंचते हैं हम अपने क्या कहते हैं बार्बर के पास और जाके अपने बाल वगैरह सेट कराते हैं, दाढ़ी वगैरह भी काफी बड़ी होगी तो सेट कराते हैं। तो टाइम जाया नहीं करते और पहुंचते हैं अपने बार्बर के पास और सेट कराते हैं अपने बाल और अपने जो सी बियर वगैरह सेट कराते हैं और बाकी कंटिन्यू रखते हैं आपको अपने ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। सो गाइस यहाँ पे हम पहुंचे थे कटिंग कराने जो से अपने बार्बर के शॉप पे। तो ये हमारे यहाँ पे सेट वेट कर रहा था यहाँ पे बाल और इसके बाद इससे अपने ब्रश वगैरह धोए, उसके बाद हमारे अपने जो सी ट्रिमिंग का सामान था, फिर उसके बाद उसने हमारी जो सी कटिंग पहले शुरू की। कटिंग करने के बाद आपको जूम करके सब कुछ दिखाया, इधर मैं बोल नहीं सका तो इसलिए बाद में जो सा वॉइस ओवर करके मैं सारा ब्लॉग का ये सब बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दाढ़ी वगैरह सेट की और बाकी काफ़ी हद तक सेट किया, फिर थोड़ी मसाज वगैरह की, फिर ऐसे ही बाल से फिर मेरी दाढ़ी वगैरह सेट करता रहा और फिर इसके बाद मैंने इसको कहा कि आप मेरा एक काम करें, एक थोड़ा सा मेरा फेशियल कर दें क्योंकि थोड़ा ई शेड आगे थोड़ा मस्त लगना है। तो इन्होंने कहा भाई साहब, फिर चल गए थे अपना फेशियल का सामान लेने। तो एक मिनट के अंदर अंदर फेशियल का सामान लेकर मेरे पास पहुंच गए। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे बालों को ये कोई कैचे शैशर लगाया और उसके बाद कुछ क्रीमें श्रीमें अप्लाई करना शुरू कर दी और हमारा कर दिया फेशियल। और फेशियल करा करू के हम आ गए इसके बाद घर और आप रिकमेंड करके बताना कि कैसा लग रहा हूँ मैं फेशियल करा के। और अब मिलते हैं आपसे हम घर जाके और उसके बाद मिलते हैं घर जाके ही। तो हेलो जी, क्या चल है, कैसे आप सब? तो मैंने रात कटिंग कराया तो बाल नहीं कर सका था क्योंकि रात को टाइम बहुत हो गया, तो मैं न्यू लुक कुछ इस तरह की है और बाकी ना लोग आएंगे तो और अच्छी लुक लगेगी। बाकी अब टाइम आ जुमा है, लास्ट डे और रमजान है तो रात का चांद रात की एक साहब की, तो इस वक्त जुम्मे का टाइम हो रहा, हम जाके नहाते हैं और आपसे मिलते हैं जुम्मे के टाइम जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। कैसे आप सब? तो अब टाइम हो चुका है आपसे मिलने जुम्मे के टाइम, तो आपने बताने का मैं कैसा लग रहा। तो अब पढ़ना जाना है हमने जुम्मा, तो जुम्मे के लिए टाइम हो चुका है, गाने वगैरह शुरू हो रही है, मस्जिद में हम पहुँचते जुम्मे के लिए, तो पीछे 5 मिनट से भी कम टाइम है तो पहुँचते मस्जिद और मिलते हैं आपको आफ्टर द नमाज या नमाज के दरमियान वास्ते। हाँ वाह, नमाज के बाद ही मिलेंगे, चले चलते हैं अपने जुम्मे की नमाज के लिए और मिलते हैं आपको जुम्मे की नमाज के बाद। तो हेलो जी, क्या चाल है? तो हम आपसे मिले जुमे की नमाज के बाद। तो इस वक्त हम खड़े हैं मस्जिद के बिल्कुल सामने, उनके सामने गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल के सामने खड़े हैं। तो आपको दिखाते सही हम सामने का, तो खड़े हैं हम मस्जिद के आगे, आते हैं तो सामने ट्रैफिक वगैरह जा रही है तो हम बस के सामने खड़े हैं। चलो हम पहुँचते हैं घर और आपसे मिलते हैं घर पर आके। आज तो घर के रास्ते जब हम रवाना हुआ है तो घर पहुँचे और आपसे मिलते हैं घर पहुँचे। आपको मेरे शेर तो नजर आ रहा है लेकिन आप घर पहुँचे और आपसे बात करते घर पहुँच कर। कैसे आप सब? तो जुमा पढ़ के आ गए थे हम, थोड़ा आगे सो गए थे तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं, असर का टाइम हो गया नमाज का, तो असर की नमाज के लिए जा रहे हैं। अभी सोते सोए हुए उठे हैं, चलते तो चलते हैं हम नमाज पढ़ने असर की, तो पहुँचे हैं मस्जिद और चले चलते हैं मस्जिद और फिर आपसे मिलते हैं। जो ईद वाले दिन ना बच्चों का 500 रुपया लेके ना 2 10 10 की नोट पकड़ा देता है, अगर आपके बच्चे बंदे के पास आए ना अपने बच्चों को इस बंदे से दूर करे, बच्चों का 500 रुपया पकड़ लेता है, 2 10 10 की नोट पकड़ा देता है। ये थी हमारी छोटी सी अफ्तारी जो आपको दिखा रहे। आप आजाद हो गए हो, रोजे खत्म हो गए, आप आजाद हो। यार इनको मुबारक, आजाद हो गए, आज रमजान खत्म हो गया। आजादी मुबारक। गाइस आपके सामने बाजारे वगैरह हो रही है, खिचड़ी वगैरह पड़ी जा रही है, तो शुरू हो गई है ईद हमारी और बने रहे आपके साथ, सारा कुछ होगा क्योंकि आप थोड़ी देर तक ये लोग एंड हो रहे हैं, कल से ईद लोग शुरू हो रहे हैं तो वो भी आपके सारे वाच करने, तो बने रहे आप हमारे
गाइस हम घर आए हुए हैं तो कपड़े वगैरह सारा कुछ रहती है। सो मैं वंस अगेन अपने सब दोस्तों को चांद रात नहीं बल्कि आज़ादी मुबारक कहूँगा, क्योंकि सब भी शैतान थे और सब भी शैतान आज़ाद हो गए हैं आज। सो सब मैं शैतानों को आज ईद थोड़ी आज़ादी मुबारक कहूँगा, और कल जो से मेरे भाई हैं उनको कल मैं ईद मुबारक कहूँगा कल से, क्योंकि हमारे ईद मुबारक ब्लॉग्स भी आने वाले हैं। बाकी अब बात करते हैं हमारे बेस्टेस्ट कमेंट्स के बारे में जो हमारे लास्ट वीडियोस पे आए हैं, लास्ट व्लॉग पे सॉरी आए हैं। सो वो कमेंट आपको शो करते हैं जो मेरे इधर या इधर कहीं पे शो हो रहे हैं ऊपर नीचे खड़े। सो साथ साथ व्लॉग को कर देते हैं, एंड आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिले किस तरह के व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I play